सुन रहे थे, मोदी जी ने एक बार भी अपील नहीं किया कि अमित मंडल को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए। मैं तो आया था प्लांट देखने के लिए, अडानी का प्लांट देख लिया, उनको तसल्ली मिल गया, और दूसरा प्लांट फिर लगाएगा, लेकिन इस बार हम गोड्डा में प्लांट लगाने नहीं देंगे। और जो गरीब का नेता है, जो गठबंधन का नेता है, हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने मैया सम्मान योजना दिया, कृषि लोन माफ किया, बिजली बिल माफ किया, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, और 1 तारीख से 2500 रुपया दे रहा, और इस बार सरकार बनेगा तो 1 लाख रुपया सालाना मैया योजना में जाएगा। और जो गरीब का नेता है, जो गठबंधन का नेता है, हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने मैया सम्मान योजना दिया, कृषि लोन माफ किया, बिजली बिल माफ किया, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, और 1 तारीख से 2500 रुपया दे रहा, और इस बार सरकार बनेगा तो 1 लाख रुपया सालाना मैया योजना में जाएगा। विधानसभा का चुनाव अब से 4 दिनों के बाद है और लगातार सभी पार्टियां जो है दमखम झोंक रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या लोगों से जनसमर्थन मिल रहा है? ये समर्थन ही नहीं, हमसे आगे है इस बार जनता, क्योंकि 10 साल से जो करके रखा है इलाका का हाल, उसका बदला इस बार जो है मजबूती से लेगा, और जनता साफ एक शब्दों में कह रहा है कि अगला बार जिस तरह से हम लोगों को वोट को लूटा और प्रशासनिक मशीनरीज और प्रशासन का पावर दुरुपयोग जो किया है, उसका बदला इस बार हम लोग मजबूती से लेंगे। अमित मंडल जी कह रहे हैं कि हम जब कुछ किए नहीं है तो आपका कुछ बिगाड़े भी नहीं, इसको किस तरीके से देखें? भाई तो काम करने के लिए ना अमित मंडल जी को चुना था, यहाँ कुछ किए नहीं और बिगाड़े नहीं, आपने तो बिगाड़े कि समुच्चा इलाका का जो है आप विधायक कोटा बेच दिए, कितना में बेचा? 30% PC पोखर बेच दिया 1.5 लाख में, चपाकल बेच दिया 30,000 में, एक इलाका में कोई रोड है? एक भी 10 साल या 25 साल पीछे चला गया। आज ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना सिंचाई का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है। लोगों को बड़ी उम्मीद था कि भाई लंदन से पढ़ के आया है, लंदन के तरह जो है गोड्डा को स्मार्ट बनाएगा। आज क्यों नहीं लोगों ने कुर्सी दे रहा है, क्यों भगा रहा है? जहां जा रहा है वहीं पर उसको एक आदमी नहीं मिल रहा। वो तो कहते हैं कि ये आप लोगों की षड्यंत्र है। ये किस बात की संग्राम? यही जनता ने आपको वोट दिया था, यही जनता ने आपको 10 साल से विधायक बना के रखा, 7.5 साल से, 2.5 साल आपके पिताजी को, 7.5 साल आपको, और आज जनता ने आपको कुर्सी नहीं दे रहा, आपसे बात करना नहीं चाहता, हर गांव से आपको रगेद रहा है, कारण क्या है? आप अपने अंदर आत्मा को देखिए कि आपने जनता के साथ क्या किए हैं और किस तरह से अन्याय किए हैं। ना आप कभी पब्लिकली जनता से मिले, ना कभी किसी को दुख सुख में साथ दिए, ना कभी किसी के ब्याह शादी में गए, ना कभी किसी के मुसीबत में आप खड़ा हुए, तो क्यों जनता आपको चाहेगा, क्यों वोट देगा आपको? हाल में उन्होंने पोस्ट किया कि संजय प्रसाद यादव जी का जो है पूरा परिवार अब बैनर पोस्टर खोलने में लगा हुआ है। भाई बड़ी हंसी आ रही है, बैनर पोस्टर जनता खोल रहा है? जिस जनता को तुम धोखा दिया, गद्दारी किया, दगागिरी किया, वो खोल रहा है? हम क्यों खोलने जाएंगे? हम तो जहां जा रहे हैं आप देख नहीं रहे, आप ही लोग चला रहे, अपार समर्थन मिल रहा है कि भैया इस बार किसी को नहीं, इस बार, इसलिए के गरीब अब गरीब का बेटा को खोज रहा है, गरीब नेता को खोज रहा है, जो डायरेक्ट गरीब को लाभ हो, अब जनता उसको खोज रहा है। ये गुजरात जो है आप लूट देते हैं और 5 साल हमें लूटते हैं, इसलिए के हमको विकास चाहिए, काम चाहिए, हर हाथों को रोजगार चाहिए, हर घर जो है पक्के का हो, छत चाहिए, ये लोगों का डिमांड है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, ये कैसे हम लोग तक पहुंचे, इसकी जरूरत है। हमको ये 1500 रुपया नहीं चाहिए, आप वापस जाइए, और भगा रहा है सब, रगेद रहा है। मोदी जी आए थे पिछले दिनों, क्या लगता है मोदी जी का आने से कुछ माहौल बदलेगा? मोदी जी ने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अरे झारखंड के पूरे नेता बीजेपी के डर गए, जब हमारा नॉमिनेशन हुआ था, हर घर से हमारी माँ बहन भाई बुजुर्ग नौजवान साथी सारे लोग घर से निकल गया आशीर्वाद देने के लिए, भाई इस बार हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी से, किसी के चक्कर में, किसी के गुमराह में नहीं फंसेंगे, इस बार हमको जो हेमंत सोरेन जी
जो इंडिया गठबंधन का मुखिया है, जिन्होंने इतनी ताकत हमको दिया है और आज सभी का सम्मान दे रहा है। दलाल भाग गया, बिचौलिया भाग गया और डायरेक्ट गरीब को लाभ मिल रहा है। इसलिए करके नॉमिनेशन का भीड़ देख करके पूरा बीजेपी डर गया। और मोदी जी यहाँ वोट मांगने नहीं आए थे, मोदी जी अडानी पावर प्लांट देखने आए थे कि जो जिस हमारे मुस्लिम समाज को आप यहाँ गाली देते हैं, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और आज अडानी पावर प्लांट का गर्मी हम लोग खा रहे हैं, डस्ट हम लोग खा रहे हैं, जमीन हमारा गया। और आज बांग्लादेश को आपने जो है बिजली दे रहे हैं, बांग्लादेश में कौन है, किस कंट्री के लोग हैं, मुस्लिम? तो वहां के मुस्लिम इनके जो है हितेशी हैं और भारत के मुस्लिम इनके दुश्मन हैं। ये सब जो है ना इनकी पॉलिसी है गुजराती का, ये अपना बिजनेस करने आया था, अडानी का प्लांट देके दूसरा प्लांट जो है सोचता होगा कहीं सुंदर पहाड़ी तरफ लगाए और फिर गरीबों का जमीन शोषण करे और गोड्डा जिला गर्मी से तप्पा दे, इसके लिए आया था। समझ सकते हैं मोदी जी ने, आप लोग गए होंगे भाषण सुनने, हम लोग भाषण देख रहे थे, सुन रहे थे, मोदी जी ने एक बार भी अपील नहीं किया कि अमित मंडल को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए। मैं तो आया था प्लांट देखने के लिए, अडानी का प्लांट देख लिया, उनको तसल्ली मिल गया और दूसरा प्लांट फिर लगाएगा, लेकिन इस बार हम गोड्डा में प्लांट लगाने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग गर्मी खाने के लिए पैदा नहीं लिए हैं, हमारी जमीन जो है कोई हड़पेगा नहीं और यहाँ का बिजली दूसरे जगह हम सप्लाई नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरा आंदोलन करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लास्ट एक चीज पूछना चाहेंगे कि लोगों के बीच जा रहे जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है किस स्तर पर विकास होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो आप अपना क्या मैनिफेस्टो रख रहे हैं? जनता हमको जानती है, हम दो बार यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हमने जो विकास किए हैं आज भी लोग नाम लेता है। आज गली कूची कोई भी गली में चले जाइए, संजय यादव का बोर्ड लगा है, PCC, इरीगेशन, शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य ये दिए हैं, लेकिन 5 साल में हटा देता है, पैटर्न बनाते हैं हम लोग, उसके बाद जो है जो प्लानिंग रहता है हटने के बाद जानते हैं तोड़ मलोड़ देता है। लेकिन इस बार जनता जो है तैयार है और इसका जवाब 20 तारीख को देगा और 23 को हर घर में लालटन गोड्डा विधानसभा में जलेगा और इस राज्य का मेरा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी है, हेमंत है तो हिम्मत है और उसका हिम्मत कोई तोड़ेगा नहीं। अपार जनता का समूह देख रहे हैं उनको किस तरह से उनको जो है ताकत दे रहा है और ये ताकत बरकरार रहेगा 23 तारीख तक। इसलिए करके हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि कल बिसाहा दुर्गा मंदिर के मैदान में कल्पना सोरेन जी आ रहे हैं, हम चाहेंगे पूरे इलाका से लोग वहां पहुंचे ताकि मैया सम्मान योजना जो कल्पना सोरेन के ही कहने पे मिला है, सारे मैया भाई बुजुर्ग नौजवान साथी सारे लोग बिसाहा दुर्गा मंदिर मैदान में कल 11 बजे पहुंचे, क्योंकि वहां पर कल्पना सोरेन जी आ रहे हैं, उनके भाषण को सुने और लाभ उठाए। देखिए हमारे साथ संजय यादव जी हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं और दिन भर इसी तरीके से प्रचार प्रसार चलता है, चाहे वो संजय यादव हो या अमित मंडल हो, सभी पार्टियां जो है दिन भर प्रचार प्रसार में लगी रहती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को ईवीएम में किसका किस्मत तय होता है यह देखने वाली बात होगी और 23 तारीख जो है वो किस्मत का ताला खुलेगा और कौन जो है गोड्डा के विधायक बनते हैं यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।